मागाथाड़े विधायक प्रकाश सूर्य के नेतृत्व में एक बार फिर से भव्य मुफ्त आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मुफ्त में न सिर्फ लोगों की जांच किया गया बल्कि लोगों को मुफ्त में दवाइयां भी दी गई। इस कार्यक्रम के दौरान विधायक प्रकाश सूर्य ने खुद तमाम यहां मौजूद मेडिकल स्टाफ से मुलाकात की, उनसे चर्चा की कि किस तरह से लोगों का इलाज चल रहा है, लोगों को दिक्कतें हैं उसे जो है अमल किया जाए। खास बात यह रही कि विधायक सूर्य ने यहाँ मौजूद तमाम डॉक्टर्स नर्सेस से मुलाकात कर लोगों को अच्छी से अच्छी मेडिकल सेवा देने का आग्रह किया है। यह तस्वीरें है, देखिए किस तरह से मुफ्त मेडिकल कैंप में विधायक प्रकाश सूर्य खुद जो है हर एक मरीजों से मिल रहे हैं, पेशेंट से मिल रहे हैं, डॉक्टर से मिल रहे हैं और उन्हें यह आश्वासन दे रहे हैं कि आने वाले समय में वह और भी बेहतरीन सेवा देने का कोशिश करेंगे। यह जो ऐसा कैंप है जहां पर लोगों को मुफ्त में जो है कैंसर के, ब्रेस्ट कैंसर के इलाज किया जाता है और उन्हें जो है जांच के बाद अगर कोई उपचार की ज़रूरत पड़ी तो वह उपचार के माध्यम से भी लोगों की मदद करेंगे। मेडिकल कैंप के साथ साथ चश्मा वितरण, चश्मे की जांच भी की गई, जिनमें जिन लोगों की आंखें खराब हैं उन्हें चश्मा मुफ्त में देने का भी काम किया गया। इस मौके पर विधायक प्रकाश सूर्य और उनके सहयोगी मंगेश पंगारे ने भी काफ़ी मेहनत की है इस पूरे कार्यक्रम के दौरान और लगातार कोशिश की जा रही थी कि किस तरह से लोगों को एक मेडिकल की विशेष सुविधा दी जाए। इस मौके पर विधायक प्रकाश सूर्य धूप में खड़े हुए लोगों को बिस्किट और पानी का वितरण खुद करते हुए दिखाई दिया। इससे साफ होता है कि किस तरह से मागाथाड़े विधानसभा में घोर गरीबों के आमदार प्रकाश दादा सूर्य के नेतृत्व में एक बार फिर से बड़ा मुफ्त में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। तस्वीरें मुंबई मागाथाड़े विधानसभा की है जहाँ पर देख पा रहे हैं कि वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के वैद्यकीय मदद कक्ष बनाया गया है जहाँ पर लोगों की मुफ्त में वैद्यकीय मदद की जा रही है। इस मदद के पीछे का श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन और घोर गरीबों के आमदार प्रकाश दादा सूर्य के नेतृत्व में खास बात यह है कि यहाँ जो लोग यहाँ इलाज करवाने आ रहे हैं, जो लोग यहाँ दिखाने आ रहे हैं, चेकअप करवाने हैं, उनके लिए दवाइयों का भी बंदोबस्त किया गया है। यानी कि आप यहाँ चेकअप कराने के बाद दवा भी ले सकते हैं, इस तरह की व्यवस्था प्रकाश दादा सूर्य ने किया है। तो तमाम यहाँ काउंटर लगाए गए हैं, इस काउंटर के जरिए हर कोई शख्स अपनी अपनी बीमारी को लेकर यहाँ आता है और यहाँ बैठे डॉक्टरों से परामर्श लेता है। डॉक्टर जब प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो आगे जो काउंटर बनाया गया है वहाँ उन्हें दवाइयाँ मुफ्त में वितरण की जा रही है। इस तरह की व्यवस्था विधानसभा के जो विधायक है प्रकाश दादा सूर्य उनके नेतृत्व में किया जा रहा है। खास बात यह है कि अमूमन डिजिटल इंडिया आने के बाद से लगातार लोगों को जो है आँखों में दिक्कतें होने लगी है, रोशनी की दिक्कतें होने लगी, उसके लिए बाकायदे यहाँ नेत्र कैंप भी लगाया जाएगा। मुफ्त में चश्मा वितरण का कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा है जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि तमाम तरह के जो है यहाँ चश्मे रखे गए हैं, जिन्हें जो चश्मा लगता है, जिस नंबर का लगता है, उस तरह के नंबर का चश्मा यहाँ लोगों को दिया जा रहा है। अब तमाम ये जो संख्या आपके सामने दिखाई दे रही है, तमाम लोग हैं जो लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में विधायक प्रकाश सूर्य ने तमाम लोगों से मुलाकात की, उन्हें यह बताया कि किस तरह से यहाँ जो है मेडिकल मदद दी जा रही है। खासकर जो मागाथाड़े विधानसभा में प्रकाश दादा सूर्य एक के बाद एक बड़े जो है इस तरह का आयोजन कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने देखा है कि किस तरह से गरीबी होती है, उन्होंने यह देखा है कि किस तरह से लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में
छोटे छोटे जो जरूरतें होती है उसको पूरा करना है। यही वजह है कि आज रविवार का दिन है, रविवार के दिन अमूमन लोग जो है इस कैंप में पहुंचते हैं, तो जो भीड़ दिख रही है वो लगातार लोगों को यह बता रही है कि किस तरह से लोगों की आज जरूरत है मेडिकल कैंप की। ऐसे मेडिकल कैंप जिनमें लोगों को कुछ देना ना पड़े, कुछ खर्चा ना करना पड़े, क्योंकि घोर गरीबों को आमदार प्रकाश द्वारा सुर्वे ये भली बात समझते हैं कि आज की समय में लोगों की जो है आर्थिक स्थिति बेहद बिगड़ी हुई है, उसका ध्यान रखते हुए लोगों का स्वास्थ्य का खासा ख्याल रखा जा रहा है। तो तमाम लोग जो अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें किसी भी तरह की बीमारियां हो उसका इलाज यहां मुफ्त में दिया जा रहा है। खास बात है कि तमाम तरह की दवाइयां भी यहां अवेलेबल करवाई गई है, चाहे वो महंगी हो चाहे वो सस्ती हो, खांसी की दवा हो। खास बात है कि अंदर ब्रेस्ट कैंसर मतलब महिलाओं से जुड़ी जो ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी होती है उसका भी चेकअप किया जा रहा है, उसके लिए भी परामर्श के लिए यहाँ तमाम बड़े डॉक्टरों को बुलाया गया, बड़े डॉक्टरों का पैनल यहाँ मौजूद है जहाँ तमाम तरह की बीमारियों के बारे में जानकारी देंगे। क्या कुछ आगे रहा है हम दिखा सकते वीडियो के माध्यम से कि विधायक प्रकाश सुर्वे ने किस तरह से यहाँ धूप में खड़े लोगों को बिस्किट और पानी वितरण करते हुए दिखाई दिए। चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न प्रकार का यहाँ पे कैंप लगाया गया, क्या कहना है? आजकल मेडिकल में लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी का पैसा खर्चा हो रहा है वो मेडिकल में हो रहा है, तो लोगों को राहत देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री साहब और हमारे युवा नेतृत्व विकांत शिंदे फाउंडेशन के माध्यम से आज यहाँ हमने वार्ड क्रमांक 4 हमारे होने वाले भावी नगर सेवक मंगेश पांगारे जी और हमारे शाखा प्रमुख संतोष शिंदे जी इनके नेतृत्व में यहाँ आज मैंने एक कार्यक्रम आयोजित किया है। उसमें देखा होगा कि लोगों की कितनी ज़रूरत है, बाहर काफ़ी बड़ी लाइन 1 किलोमीटर की लाइन लगी है लोगों को अंदर आने के लिए, और यहाँ सब मुफ्त उपचार किए जाएंगे। इसमें बहुत सारे जो औरतों के लिए स्पेशली हमने मेमोग्राफी की बात है इसका 3-4 हज़ार का खर्चा आता है वो भी हम लोगों ने फ्री में रखा है, और मेडिसिन भी फ्री में देंगे, और जितने भी बीमारियाँ हैं उनका किसका ऑपरेशन करना है, एंजियोप्लास्टी करना है, एंजियोग्राफी करना है, बाईपास सर्जरी करना है, या कोई भी किडनी का ऑपरेशन कर कोई भी ऑपरेशन करना है वो ऑपरेशन भी हम फ्री में करके देने वाले हैं। ऐसा काम हमेशा करते रहते हैं, मेडिसिन भी हम फ्री में देने वाले हैं, और मेरे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत कैसे मिले क्योंकि बहुत सारा एरिया हमारा झोपड़पट्टी है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा राहत कैसे मिले, उनके पैसे 2 पैसे कैसे बचे, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इसमें नेत्र चिकित्सा भी है और उनको चश्मे भी मुफ्त दिए जाएंगे, जो 1000 रुपये का चश्मा है वो फ्री में देने वाले हैं। उसके बाद में स्त्री रोग चाचनी के डॉक्टर अम्बेकर वो भी बॉम्बे हॉस्पिटल में बड़े पैमाने पर उनका नाम है, ऐसे सब तज्ञ डॉक्टरों को हमने बुलाया है। बाद में कर्कर रोग चाचनी उनकी भी कैंसर की होने वाले, आर्थोपेडिक भी चेकिंग होने वाले, आर्थोपेडिक का कोई बड़ा ऑपरेशन होगा उनकी दवाई होगी वो भी मुफ्त हम करके देने वाले, हृदय विकार के भी है उसमें भी एंजियोप्लास्टी हो, एंजियोग्राफी हो, बाईपास हो, कुछ भी हो वो भी हम मुफ्त देने वाले। नाक कान घसा मेरा आवाज बैठा है ऐसा बहुत सारे लोगों को नाक कान घसे की तकलीफ होती है तो उनके लिए भी कुछ ऑपरेशन लगा वो भी मुफ्त करके देने, सब बड़े बड़े डॉक्टर्स मोहन जोशी जैसे अम्बेकर जैसे सब बड़े बड़े डॉक्टर्स सब बड़े डॉक्टरों को हमने तज्ञ डॉक्टरों को यहाँ बुलाया और हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा त्वचा के भी बीमारी कुछ होगी स्किन स्पेशलिस्ट को भी बुलाया है और वो भी यहाँ आए। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा कैसे दी जाएगी ये हमारा अप्रोच है।